नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता हूँ और सन 1991 से सरोद अस्पताल में न्यूरोसर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपनी MCH न्यूरोसर्जरी में लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 90 में पूरी की थी और उसके बाद सीधे ही गाजियाबाद में प्रैक्टिस में आ गया। सरोद अस्पताल में न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट डेवलप करने में मेरा काफ़ी बड़ा हाथ रहा है और हमने कई एक्सीडेंट के मरीजों की सेवा करके उनकी जान बचाई है। एक्सीडेंट के अलावा कमर की हड्डी के ऑपरेशन, ट्यूमर्स के ऑपरेशन और ब्रेन की और जटिल बीमारियों के ऑपरेशन भी हम लोगों ने करे हैं और धीरे धीरे हम लोगों ने एक न्यूरोसर्जरी की अलग पोटी सर्वोदय में बना रखी है जिसमें खाली न्यूरोसर्जरी के ही ऑपरेशन होते हैं। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो पेशेंट की केयर बेटर हो जाती है और इन्फेक्शन का चांस बिल्कुल कम से कम रहता है। ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में पब्लिक में पूरी नॉलेज नहीं है और लोग ब्रेन ट्यूमर के नाम से ही घबरा जाते हैं। सबसे अर्ली साइंस में सिर में दर्द, खास करके सुबह उठने में सिर में दर्द, उसके साथ उल्टी होना और वो दर्द किसी और दवाई से ठीक नहीं होता है, ये पहला लक्षण है ब्रेन में ट्यूमर होने का। ब्रेन ट्यूमर होने का ये मतलब नहीं है कि ब्रेन में कैंसर हो गया। ब्रेन ट्यूमर का मतलब है ब्रेन में गांठ हो गई। गांठ वो कैंसर भी हो सकती है, गांठ वो रसौली भी हो सकती है, जिसको हम मेडिकल साइंस में बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और आज की तारीख में MRI ब्रेन सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन है ब्रेन ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर किसी मरीज को कई महीनों से लगातार सिर में दर्द होता है, खास करके सुबह उठने के बाद, और उसको साथ में उल्टियां भी होती हैं, तो उसको तुरंत अपना MRI करा लेना चाहिए, क्योंकि अब जो छोटे ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया है, जैसे कि गामा नाइफ। खास करके जो 3 सेंटीमीटर से कम के ट्यूमर्स होते हैं उसमें गामा नाइफ ट्रीटमेंट हो गया, जो एक पूर्णतया नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और 3 सेंटीमीटर से ऊपर अगर जो ट्यूमर्स होते हैं उसको हम ऑपरेशन द्वारा निकाल देते हैं। समय के साथ ट्यूमर्स का डिटेक्शन बहुत जल्दी हो गया क्योंकि इसमें MRI बहुत बड़ी हेल्प करता है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अब ब्रेन ट्यूमर लाइलाज बीमारी नहीं है, काफी ट्यूमर्स का इलाज संभव है अगर समय रहते उनको पता कर लिया जाए। यही स्थिति कमर के जो स्पाइन के ट्यूमर्स होते हैं वो भी क्योरेबल है क्योंकि MRI हमारे पास अवेलेबल है और अर्ली स्टेज में ही उनको हम कैच कर लेते हैं। मेडिकल साइंस में एक गांठ के लिए कहते हैं, गांठ वो बिनाइन और मैलिग्नेंट में होती है। बिनाइन मींस रसौली, जिसको हिंदी में रसौली कहते हैं, जो कि बहुत धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और ईयर और 10 इयर्स बढ़ती है। कैंसर जो है वो रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है और महीनों में ही उसका साइज डबल ट्रिपल क्वाड्रपल हो जाता है, जो कि तो मरीज अपनी जो स्थिति है उससे काफी आइडिया लग जाता है। अगर मान लीजिए आपका सिर में दर्द 2 महीने से शुरू हुआ है, उसके बाद आपको दौरे पड़ने शुरू हो गए और कोई डेफिसिट आ गया, कोई फालिश पड़ गई, दैट मींस यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर लाइक कैंसर। और अगर सालों से सिर में दर्द है, 5 साल से सिर में दर्द है और थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई बिनाइन ट्यूमर्स आपके हो। तो ये क्लिनिकली हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैंसर का जो ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है और पेशेंट की जो कंडीशन बहुत तेजी से गिरने लगती है, ये बेसिक एक हिस्ट्री में डिफरेंस है। जानकारी के मैं बता दूं, अगर किसी मरीज को काफी समय से सिर में दर्द हो रहा है और उसके साथ साथ उल्टियां भी होती हैं, तो तुरंत ही सर्वोदय अस्पताल में आके अपना चेकअप कराएं और उसका अर्जेंट CT स्कैन कराएं, जिससे कि उसकी बीमारी के बारे में पूरा ज्ञात हो सके और आगे इलाज किया जा सके।